अब भारतीय सीमा की सुरक्षा हो जाएगी और मजबूत। आतंकियों की हर घुसपैठ होगी नाकाम। पाकिस्तान को मिलेगा हर गोली का करारा जवाब, क्योंकि अब भारत कुछ महीनों के अंदर पश्चिमी सीमा पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर 3 नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैनात करने जा रही है। ये ग्रुप युद्ध के हालात में बहुत जल्द प्रहार करने में सक्षम होंगे। भारतीय सेना ने अपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का ट्रायल सफलतापूर्वक युद्ध अभ्यास के दौरान कर लिया है। बस इंतजार है तो इसकी सीमा पर तैनाती का। बता दें कि वायु शक्ति पैदल सेना समेत युद्ध के लिए सभी जरूरी शक्तियों से लैस होगी आईबीजी। इस आईबीजी में सेना की कई इकाइयां भी शामिल होंगी। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आईजीबी पूरी मारक क्षमता के साथ काम करने में सक्षम होगा। इसी साल अक्टूबर तक इसे सीमा पर तैनात कर देंगे। पूरी चर्चा के बाद इसका प्रस्ताव सेना मुख्यालय से पास हो गया है। अब फाइनल अप्रूवल के लिए प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास गया हुआ है। पाकिस्तान सीमा पर सफलतापूर्वक तैनाती होने के बाद आईबीजी को चीन सीमा पर भी तैनात कर दिया जाएगा। आईबीजी को इस मकसद से बनाया गया है कि युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की सीमा में सेना की टुकड़ियों को तेजी से भेजा जा सके, साथ ही तीव्र कार्रवाई आसानी से हो जाएगी। इसकी कार्रवाई में दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बताते चलें कि आईबीजी छोटा होगा और युद्ध के लिए आवश्यक सभी हथियार और सैनिकों से लैस होगा। इसके साथ वायु शक्ति, पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां, सभी चीजें होंगी। आईबीजी के पास 8 से 10 ब्रिगेड होंगी। हर ब्रिगेड में 3 से 4 बटालियन होंगी और हर बटालियन में 800 सैनिक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।